सुयश कॉन्वेंट द्वारा ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें शनिवार को हुई प्रतियोगिता में शहर के 20 स्कूल सहभागी हुए थे। ताइक्वांडो का प्रशिक्षण आज की जरूरत बन गया है। खासतौर पर महिलाएं और लड़कियों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेना चाहिए, ताकि वह खुद संरक्षण कर सकती हो। हमारे देश में ताइक्वांडो बहुत कम मात्रा में खेला जाता है या ज्यादा प्रचलित नहीं है, इसलिए सुयश कॉन्वेंट की ओर से ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, ताकि ताइक्वांडो के प्रति पालकों में जागरूकता बढ़े और इस खेल को प्रोत्साहन मिले। मार्शल आर्ट या जो ये गेम है ताइक्वांडो, भारत में बहुत ज्यादा लुप्त हो चुका है। ये गेम को बढ़ावा देते हुए और सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा गेम है। आजकल की महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है सेल्फ डिफेंस का। स्कूलों में अगर सब लोग पढ़ाए और पेरेंट्स इसका सपोर्ट करें इस गेम के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई महिला अबला रह सकती है। सभी सबला हो सकती है और अपने आप का बचाव खुद कर सकती है। मैं माधुरी साखरे, सुयश कॉन्वेंट एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल, यही चाहूंगी कि सभी पेरेंट्स इस गेम को बढ़ावा दें और इस गेम को ज्यादा प्रोत्साहन करें। धन्यवाद। सुयश कॉन्वेंट द्वारा ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जो काफी सराहनीय है। ताइक्वांडो प्रति स्कूली छात्रों में रुचि बढ़े और पालकों द्वारा प्रोत्साहन मिले। सुयश कॉन्वेंट स्कूल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे जो फर्स्ट इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किए, और इस चैंपियनशिप में टोटल 20 स्कूल से 350 पार्टिसिपेशंस है, और यहाँ से मोर देन बिलो 16 केजी से तो अबाव कैटेगरी अबाव 55 के बच्चे पार्टिसिपेट किए। ये मैचेस का उद्देश्य तो काफ़ी अच्छा है, मगर मुझे लगता है कि बच्चों के प्रति जो अभी आजकल जो घटना है, जैसे निर्भया बेटी हुआ है, आयुष हत्याकांड हुआ है, अभी जो जस्ट उन्नाव में जो घटना हुई है, और अभी रेयरली जो हैदराबाद में प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका के साथ में जो घटना हुई है, तो मुझे लगता है कि सेल्फ डिफेंस इज गुड फॉर गर्ल्स एंड चिल्ड्रंस। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी सजग हो जाए और बच्चों को प्रेरित करे कि ऐसी गेम सीख के खुद की सुरक्षा करना सीखे। शनिवार को हुई ताइक्वांडो प्रतियोगिता में छात्राएं भी शामिल थी। बड़ी खुशी से अपना प्रदर्शन इन छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में किया। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।